सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस्थेटिक। आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम बैक का वर्कआउट करने वाले हैं। तो गाइस, यू आर रेडी? यस। यू आर रेडी? एक्साइटेड। यस, चलो चलते हैं। सो हे गाइस, अभी जो वेट चल रहा है वो है मेरा 77। तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, इसको कम से कम 85 अप्रोक्स पहुँचा दूँगा 6 मंथ्स में एट अ लीन बॉडी मास। तो ये मेरा चैलेंज है, तो इसको मैं पूरा करूँगा। और चलो फिर थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करते हैं, 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग। गाइस, जो हमारी अभी जो जिम के ओनर हैं वो ये हैं, सुजीत भैया, और यही हमारे अभी ट्रेनर हैं। तो ये हमको बैक की वर्कआउट सारी एक्सरसाइज बताएंगे और ये भी हमारे साथ ही मार रहे हैं एक्सरसाइज। तो हमारी पहली कौन सी है एक्सरसाइज सर? नाम तो इसका बोल गए, इसको बोलते हैं टी बार। हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो टी बार होने वाली है और 4 सेट है। ओके, 12 रैप के और वेट कंसिक्वेंटली बढ़ता जाएगा। Bus. वर्कआउट फिनिश हो चुका है और अब वही जो वर्कआउट के बाद प्रोटीन, मैं जो प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ वो है मेरा ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं है बट इसके रिजल्ट बहुत तगड़े हैं, तो इसीलिए। और एक ये भी है कि होना भी चाहिए प्रोटीन एट द एंड ऑफ द जिम करके आओगे तो, क्योंकि ये तुम्हारी मसल रिकवरी को अच्छा कर देगा और जो तुम्हारी एसेंशियल नीड्स हैं उसको कम्प्लीट कर देगा। तो गाइस, मैं तो इस्तेमाल यही करता हूँ, आप लोगों से सजेशन तो नहीं दूंगा कि आप इस्तेमाल करो, बट हाँ यही है कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वही प्रेफर करूँगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसकी कोई स्पॉन्सरशिप या फिर कुछ भी ले रखी है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। गाइस, जैसा आप लोग समझो, मेरे लिए तो ये बेस्ट लगा मेरे को। और ये है कि नए नए प्रोटीन ट्राई करनी चाहिए, जो बेस्ट रिजल्ट देगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। वैसे बाय द वे, प्रेजेंट में मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ,
सो गाइस थैंक यू बने रहने के लिए, आगे रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पे आ सके, और थोड़ा सपोर्ट करो भाई को प्लीज़। थैंक यू।